एडवेंचर। मेरे मुंह से आपने वर्ड कई बार सुना होगा, पर ये एडवेंचर है क्या? So adventure can be different for everybody. It can be rafting, climbing, skydiving, skiing, etc. पर मेरे लिए दोस्तों, it is going in the wild with my boys, climbing mountains, facing snow, facing rain, surviving in extreme conditions and making memories. आपने देखा होगा हम आज तक बहुत सारे एडवेंचर्स पे गए हैं, पर मक्कू जूनियर आज तक हमारे साथ कभी नहीं गया। एक्चुअली जब आप नेचर के इतने नजदीक जाते हो ना, तो एक बेसिक लेवल ऑफ ट्रेनिंग जरूरी होती है टू एंश्योर सेफ्टी। एंड धीरे धीरे मैक्स को ट्रेन करके फाइनली मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि इसको अब मैं एडवेंचर पे ले जा सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम ना रोड क्रॉस करने वाले हैं और मैं मैक्स की ट्रेनिंग आपको दिखाता हूँ। मैक्स रुको, पहले देखो गाड़ी यहाँ से तो नहीं है, वहां से तो नहीं है। चलो आओ मैक्स। चलो दोस्तों अब एडवेंचर का तो डन हो गया, पर अब ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि हम आखिर जाएं कहाँ। खैर हमने ही डिसाइड किया क्योंकि अब विंटर्स आ ही गए हैं, तो क्यों ना मैक्स एंड गोस्ट को कहीं स्नो एडवेंचर्स पे ले जाएं। गोस्ट लव स्नो एंड मैक्स को तो भाई बर्फ में मजे ही आ जाएंगे ना। बट अब यहाँ से शुरू हुआ सारा पंगा। दोस्तों विंटर्स आ गए, दिन पे दिन बीतते गए, पर भाई बर्फ का कहीं नामो निशान नहीं। दिस ऑल्टरेशन थ्रेटन्स नॉट जस्ट द करंट सीजन बट कुड आल्सो परमानेंटली। मुनस्यारी पिथौरागढ़, जनवरी का आधा महीना बीत गया है लेकिन पिछले दो महीनों से जिले में बारिश नहीं हुई है। दोस्तों बर्फ का वेट करते करते पहले दिसंबर निकल गया, फिर जनवरी भी निकल गया और फाइनली फरवरी में इट हैपेंड। पर जब ये हुआ ना, तुम्हारे भाई का हो गया बहुत बड़ा काटा। हेलो हेलो एसएनडी। हाँ डी, कहाँ है? मैं भाई हल्द्वानी में यार। अच्छा अच्छा, अरे तो कब आ रहे फिर यहाँ भाई? बर्फ पड़ने लग गई है। बर्फ पड़ने लग गई है? और यार शिट यार, सैंडी काटा हो गया मेरा। मैं हल्द्वानी हूँ यार, मैं तो तीन चार दिन लगेंगे भाई। बहुत तेज बर्फ पड़ रही है, मतलब कि क्या ही बोलूँ भाई, बहुत मजा आ रहा है। अरे यार मेरे को आना था भाई एडवेंचर पे मैक्स गोस्ट को लेके यार। तो कितना टाइम लगेगा तुझे? मेरे को यार चार पांच दिन लगेंगे अभी तो। चार पांच दिन तो वेदर रिपोर्ट देखी थी मैंने, चार पांच दिन तक तो है नहीं, बट उसके लिए तुझे खलिया ही जाना पड़ेगा फिर भाई। चाहिए बर्फ? हाँ चढ़ना पड़ेगा, वो भी ऐसे बर्फ में। अरे वाह, चल ठीक है भाई, डन है, मैं आ रहा हूँ, खलिया ही चढ़ेंगे। ठीक है ठीक है भाई, आ जा जल्दी। डन भाई, ओके भाई, ओके। सो दोस्तों फाइनली ये डिसाइड हो गया दैट वी आर गोइंग टू खलिया टॉप। पर जाने से पहले सबसे पहले कुछ तैयारियां करनी बहुत जरूरी हैं। सो तैयारी नंबर वन इज गेटिंग कार रेडी फॉर मैक्स एंड गोस्ट। हम आए अपने सोफे वालों के पास, तो हम मक्कू और गोस्टी के लिए बनाने वाले ना यहाँ पे बैठने के लिए। बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता था, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा अभी, है ना। उसको सीधा करके बढ़िया सोफे वाला गद्दा वद्दा लगा के मस्त। डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए भाई मक्कू को, गोस्टू रह लेता है, मक्कू में आके नखरे अलग है भाई। दोस्तों आज है अगला दिन और हमारी गाड़ी का सिस्टम हो चुका है सेट। अभी हम बस लगा के देख रहे हैं कि भैया लोगों ने जो नाप ली थी वो फिट ढंग से आ रही है कि नहीं आ रही। थोड़ी सी फिटिंग का इशू आ रहा है हमारे उसमें, पर अभी ये कि थोड़ा सा खांचा काट के फिट आ जाएगा, फिर आपको दिखाऊंगा, मस्त लग रहा है। पर तो हम दोबारा आए हैं रात को, कल तो हमें जाना ही है। शाहरुख जी क्या लगता है आपको, बना दिया होगा इन्होंने बढ़िया? एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है ना दोस्तों, एसी का भी है, फिर ये भी है, ये भी है, फिर सीट्स भी ऐसी पूरी कॉन्टूर वाली है, गुड फोल्डेबल भी बनाया दोस्तों। आगे भी अरे गुड, मजे ही अरे गजब, क्या फिनिशिंग दे दी आपने, मजा आया। अरे अल्टीमेट यार भैया, एसी बंद हो गया बट चलेगा। आर यू रेडी फॉर टुमारो? यस, आई एम थिंकिंग कि मैं उनकी सीट में ले लूं। नाउ दोस्तों तैयारी नंबर टू, गेटिंग आवर गियर्स एंड गैजेट्स रेडी। हमारी तैयारी चल रही है दोस्तों, पर क्योंकि मैक्स का पहला ट्रैक होने वाला है तो इसके लिए हमने इस तरह का सामान मंगा के रखा था, तो कभी मक्कू के उसमें तो यूज नहीं कर पाए, पर अब जूनियर को उसमें यूज करेंगे। पहन ले बाबू छुबू। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, अंधेरे में ये दिखता है, अंधेरे में लाइट जलती है, इसके अलग अलग मोड्स हैं, इस तरह से आप जला सकते हैं। रात को सूसू सूसू करने जाते हैं ना, तो उसके लिए चाहिए होता है ये। फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह प्रिपेयर हो रहे हैं, ये सारी लाइट्स प्रिपेयर हो गई हैं, मस्त वाली लाइट्स हैं ये, बहुत ही अल्टीमेट लाइट्स हैं ये ना, तो ये चाहिए होती है हमें इमरजेंसी के लिए। मक्कू का कॉलर भी रेडी हो गया लाइट वाला, सारे पावर बैंक्स मोबाइल्स वगैरह सब चार्ज हो रहे हैं, घड़ी वड़ी एवरीथिंग इज गेटिंग चार्ज्ड। बस अब सामान पैक करना है और फिर हमने बस निकलना है। दोस्तों तैयारियां डन, वी आर ऑल सॉर्टेड एंड वी आर गुड टू गो। पर दोस्तों जाने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि आखिर हमारे साथ जा कौन कौन रहा है, चेक करें आप। हाँ जी, सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू मैक्स गोस्ट एंड डी, जो कि इस कहानी के सूत्रधार हैं। नेक्स्ट इज द एवर चार्मिंग मोंटू,
And then we have our very own supermodel, Kiran Best. And after him, the crazy artist, Manoj Goswami. And next is our cutie boy, Divyansh Pant. And last but not the least, the Nawab of... Oops. And last but not the least, the Nawab of MP, Anurag Binte. So now that you know ki kaun ja raha hai, ab main aapko batata hu ki hum kahan ja rahe hain aur kaise ja rahe hain. तो अब तो आपको पता ही है ना कि हम खलिया जा रहे हैं. और दोस्तों, खलिया एक माउंटेन है जो कि मुंशियारी में लोकेटेड है. इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मुंशियारी है ना, वो खलिया के ही नीचे बसा हुआ है. सो खलिया चढ़ने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे पिथौरागढ़ से सीधे मुंशियारी, और मुंशियारी से हम करेंगे ट्रैक टिल खलिया बेस कैंप. दोस्तों, पिथौरागढ़ से मुंशियारी जाने के दो रास्ते हैं. एक जिससे हम अक्सर जाते हैं और आपको भी कई बार दिखा चुका हूँ, अरे वही बिरती फॉल्स वाला. और एक है दूसरा रास्ता जिससे हम आज जाने वाले हैं. दोस्तों, ये जो रास्ता है ना, ये रिसेंटली ही ठीक हुआ है. सुनने में आया है दोस्तों कि इस रास्ते में रोड्स आर मोर कंफर्टेबल एंड नाइस. तो हमने सोचा क्यों ना इस बार इसी को एक्सप्लोर किया जाए. तो चलें, लेट्स गो. क्या हो रहा है, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ट्रिप में जाने की? ए, आराम से चलो. चलो चलो, प्रणाम प्रणाम, थैंक यू. चलो चलो, खुशी इतनी खुशी, अरे बाप रे. हाँ, लगा दो. हाँ, ओली वो खड़े खड़े सुसु कर रहे. अरे ये कौन सा टैलेंट था आपका? सुसु करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है. तेल भरवा रहे हैं गाड़ियों में ताकि आगे स्ट्रेस ना रहे. दोस्तों, फाइनली अब हम निकल गए हैं पिथौरागढ़ से. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. गोस्टू भी मजे ले रहा है, मक्कू भी मजे ले रहा है. ए, आगे नहीं, मैक्स चलो, गंदी आदत सीख ली है, वापिस जाओ. दोस्तों, इन पहाड़ी रोडों पर गाड़ी चलाने का तो मजा ही अलग है, और खास तौर से तब जब आपके साथ इन रोड्स को एंजॉय करने के लिए आपके बच्चे भी हों. क्योंकि मैक्स हिलता है ना गाड़ी में, तो गोस्टू को पकड़ लेता है ऐसे. इतना क्यूट है ना ये, पर बहुत ही शैतान है भाई. दोस्तों, हमें चलते हुए ना 1 घंटा हो गया है, और अभी तक हमारी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत बढ़िया जा रही है. हम एक अलग रास्ते से मुंशियारी जा रहे हैं, तो थोड़ा लंबा है, पर मेरे को बताया उन्होंने, जो दाएं ना सरिसुरेंदा जो है, उन्होंने कहा कि इससे तू आएगा ना तो तेरा टाइम बचेगा. हमारा टाइम ऑलमोस्ट बराबर ही रहेगा, पर जर्नी थोड़ी अच्छी रहेगी, चौड़ी रोड है क्योंकि, ऐसे बोला उन्होंने. तो अब बस ना एक प्रॉब्लम ये है कि मैं गाड़ी तेज नहीं चला पा रहा, बिकॉज बच्चे ना उछलते हैं ना, गिरते हैं इधर उधर. अभी इनकी ये जो बेड हमने बनाया है, इसमें कंफर्टेबल तो ये लोग बहुत है. ये लोग अगर थोड़ा सो जाए तो मैं गाड़ी थोड़ी खींच सकता हूँ, पर ये कहाँ सोएंगे भाई. गोस्टू के मेरे ख्याल से कई महीनों बाद, 6-8 महीने बाद पहली ट्रिप है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था गोस्टू आने के लिए हमारे साथ. तो गोस्टू तो बैठा ही भाई, मक्कू के अंदर रहती है एनर्जी, आपको पता ही है, कहाँ ही सोएगा वो, तो मतलब ही नहीं है सोने का. दोस्तों, मौसम बहुत अच्छा है, धूप आई नहीं है, देखो बेहतरीन, हवा बहुत ठंडी है, एकदम चिल्ड, पर फिंगर्स क्रॉस्ड हमें धूप ही चाहिए. बस बारिश नहीं होगी ना तो सब सॉर्टेड है, पर वेदर फोरकास्ट में कल बारिश दिखा रहा है वो, तो लेट्स सी हाउ इट गोस. छोटा सा ब्रेक लिया हमने, गोस्टू सुसु कर रहा है, मक्कू भी सुसु कर रहा है. थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे ब्रेक लेते रहो ना, तो सफर इनके लिए बहुत सुहाना हो जाता है, डॉग्स के लिए. ऑल दो गोस्टू का बिल्कुल मूड है ना गाड़ी से उतरने का, बिल्कुल भी. अरे रोड इतनी प्यारी है ना, थोड़ा लंबा रास्ता है, बट जो दूसरी मुंशियारी की रोड है उससे तो बहुत ही बेटर रोड है भाई. दोस्तों, फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द माउंटेन्स, वही जा रहे हैं दोस्तों. इतनी एक्साइटमेंट हो गई है ना मेरे को दोस्तों देख के. अल्टीमेट. देखो दोस्तों, अब हम ना नदी के एकदम किनारे चल रहे हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों. अब हम ना पहाड़ के अंदर से जा रहे हैं. देखो ये कटा हुआ है पहाड़, पूरा पहाड़ कटा हुआ है. क्या क्रेजी लग रहा है, बहुत ही अल्टीमेट. दोस्तों, वैसे तो ये एक फेयरली सिंपल रोड है, बट एक गजब का सीन आता है यहाँ, वॉटरफॉल ओवर द रोड.
दोस्तों हमें ना एग्जैक्ट 4 hours 16 minutes हो गए हैं घर से निकले हुए, और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, गोस्ट और मैक्स का मुंह अभी तक अंदर नहीं हुआ है एक बार भी। मैक्स तो फिर भी थोड़ा थोड़ा बैठ रहा था अंदर, गोस्ट ने तो भाई एक बार के लिए भी अंदर नहीं आया। 4 घंटे से हवा खा रहे हैं शैतान। सो 4.5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हम फाइनली पहुंच गए दोस्तों मुंशारी, और मुंशारी हम जैसे ही पहुंचे ना, आहा, बर्फ का दीदार हो गया हमें। दोस्तों अब हम चढ़ना शुरू कर चुके हैं मुंशारी से ऊपर, और हम जा रहे हैं कालामुनी की तरफ को, और वहां पे है खलिया द्वार जहां से खलिया का ट्रैक स्टार्ट हुआ। भाई मजा आने वाला है दोस्तों, वो देखो बर्फ भी दिख रही है हमें पूरी। जैसे जैसे हम मुंशारी से ऊपर बढ़ते गए उतनी ही ज्यादा हमें बर्फ मिलने लगी, और उतनी ही ज्यादा हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगी दोस्तों। दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए खलिया द्वार, और ये वही जगह है दोस्तों जहां पे हम अपनी गाड़ियां पार्क करेंगे, और यहां से पैदल अब ट्रैक करेंगे खलिया बेस कैंप तक के लिए। फाइनली हम पहुंच गए हैं खलिया द्वार पे, और अभी हम यहां पे गाड़ी वाड़ी करके ना बैग्स को थोड़ा खाली कर रहे हैं, कुछ सामान गाड़ी में छोड़ देंगे ना, क्योंकि भाई ऊपर जब आप चढ़ाई करते हो, ऑल्दो ये तो छोटा ट्रैक है, पर 1 kg भी अगर फालतू माल है ना आप पे, तो भाई आप समझ लो कि आपकी हालत होने वाली खराब, क्योंकि वो 1 kg जब आप अभी उठाओगे ना एक्स्ट्रा, आपको फील नहीं होगा, पर जब आप चढ़ोगे और जब चढ़ते रहोगे तो फील होता है, और तब भाई घुटने भी कंधे ऐसे टूटते हैं ना, तो अभी हम लोग वही सब कर रहे हैं। तो दोस्तों हम सब हो गए हैं रेडी अपने ट्रैक के लिए, पर ट्रैक करने से पहले आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। सो दोस्तों हमें यहाँ एकदम नीचे खलिया द्वार पे, जिसका ऑल्टीट्यूड है 8,800 feet, और यहाँ से हमें चढ़ना है दोस्तों खलिया बेस कैंप में, जो कि है 10,700 feet पे। सो एक काफ़ी एक्सट्रीम क्लाइंब होने वाला है दोस्तों, ऑलमोस्ट 1,800 feet का, और ये एग्जैक्ट 3 kilometer लंबा है। सो ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द ट्रैक। ये जो चढ़ाई है ना दोस्तों, इसको हमने 3 sectors में बांटा है, ठीक है। एक सेक्टर इज इक्वल टू 1 kilometer, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना वो एग्जैक्ट 3 kilometer है, और हर सेक्टर अपने अपने कुछ अलग प्रकार के चैलेंजेस लेके आया है हमारे तरफ। सबसे पहले सेक्टर 1 आपको बताता हूँ। सेक्टर 1 की जो चढ़ाई है ना दोस्तों, जो खड़ंजे हैं भाई, वो इतना किलर है ना। ये देखो दोस्तों, ये वाइट डॉग भी हमारे साथ ही आ रहा है आज, लग रहा है बेस कैंप तक हमारे साथ ही आ गए। वी डोंट माइंड, पर गोस्टू से लड़ाई ना हो बस, पर गोस्टू भी चढ़ने में इतना बिजी है कि लड़ेगा ही नहीं है, ऐसा खींच दे रहा है ना मेरे को, ये मज़ा आ जा रहा है। ठंड है भाई अल्टीमेट एकदम। जो ये रास्ता दोस्तों, इसमें ना खड़ंजे हैं, बेसिकली घोड़ों के लिए बनाया गया रास्ता है ये, तो इसमें क्या होता है ना, पैर मुड़ने का बड़ा खतरा रहता है, और जैसे गोश्तू खींच रहा है ना भाई साहब, बस हल्का सा ध्यान इधर उधर हुआ और पैर मुड़ जाएगा आपका। एक और प्रॉब्लम है दोस्तों, देख रहे हो ये खड़ंजे कितने ऊंचे हैं, पूरा 2-2 feet की स्टेप है, तो थाईज आपकी ना ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल थाईज एकदम खत्म हो जाती है। तो मनोज को दे दिया हमने गोश्तू को। मनोज मजा आ रहा है गोश्तू को पकड़ के? गोश्त खींच देता है भाई, और गोश्त को जो मजा आ रहा होगा ना भी खींचने में, आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते, वो बना है इस चीज के लिए। अभी हम लोगों ने 1 kilometer कर लिया, 1.5 kilometers और बचे हैं, पर अभी हम लोग इतने धीरे धीरे चल रहे हैं कि ऐसे कुछ खास सांस फूलने का जैसा हो नहीं रहा है, पर जब थोड़ा अंधेरा होगा ना फटेगी, तो ऑटोमेटिकली सबका पेस बढ़ जाएगा, तो तब आएगा मजा। चलते चलते हमें पता ही नहीं चला कैसे हमने सेक्टर 1 ऐसे चुटकी बजाते क्रॉस कर लिया, मतलब इतनी एनर्जी एड्रेनलिन इतना सब कुछ हाई रहता है ना, आप थके भी नहीं हुए होते। तो पहला किलोमीटर तो हमने यूं चुटकी में कर लिया, और अब हम आ गए सेक्टर 2 में, और सेक्टर 2 में हमारे लिए जो चैलेंज था ना, वो था खूब सारी बर्फ। मेरे को यहाँ पे एक ही जगह याद है दोस्तों, कहाँ पे क्या था, यहाँ पे मक्कू को चश्मा पहनाया था मैंने, उसके साथ इस ट्रैक पे बिताया गया ना, हर एक मोमेंट मुझे याद है, बताए यहाँ पे चश्मा पहना के उसको एकदम मस्त बना दिया था। ये वही जगह दोस्तों जहाँ पे मैं ऐसे बोल रहा था, चल मक्कू बेबी फटाफट जाना है, ईशान को छोड़ दिया था हमने। ऐसे ना नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है, इमोशनल सभी फील हो रहा है, पर जब मैक्स जूनियर को देख रहा हूँ ना भाई, इतना उत्पाती कुत्ता है ना, अब देखो कहाँ चले गए। मैक्स आजा, मैक्स आओ, अब आएगा ना दौड़ के आएगा, देखना कहीं से। यहाँ पे जो स्नो है ना दोस्तों, ये आइस में बदल चुकी है दब दब के, एंड इट इज़ वेरी स्लिपरी,
और बाय द वे गोपी की दोस्ती हो गई है मैक्स से, थोड़ी क्वालिटी खराब आ रही होगी पर अंधेरा काफी हो गया ना, फोन बेचारा क्या ही दिखाएगा, कैमरा मैन हमारा पीछे धीरे धीरे आ रहा है, मैंने गोश को पकड़ा तो मैं तेज जा पा रहा हूँ। दोस्तों सेक्टर 2 हमारा निपट चुका है, यानी कि 2 किलोमीटर हमने खत्म कर लिए हैं। बर्फ तो बहुत थी पर थोड़ी चढ़ाई कम थी तो थोड़ा सा फेफड़ों को आराम मिला। अब सेक्टर 3 शुरू हो रहा है दोस्तों, और सेक्टर 3 एक अलग चैलेंज हमारे लेके आया। सबसे पहले अंधेरा हो चुका है तो हम एकदम वाइल्ड में, पर भाई लाइट नहीं है हमारे पास, हेड टॉर्चेस उसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा ठंड, भाई जैसे ही सूरज गिराना जो टेम्परेचर थे वो सीधे 3-4 डिग्री ड्रॉप हो गए। पहले हम 1-2 डिग्री में कर रहे थे, अब ये डायरेक्ट -4-5 हो चुका है। तो भाई ये अलग चैलेंज होने वाला है, पर चढ़ना तो है ही ना, तो चलो लेट्स गो। काफी अंधेरा हो गया दोस्तों और अभी टेम्परेचर भी -1 शो कर रहा है, ठंड भी है और भी टेम्परेचर ड्रॉप होता ही जाएगा। मुझे बता रहे थे कि रात को -5-6 तक जाता है। दोस्तों अब ना टैनी भाई आ गए हैं तो ये मैक्स का सेफ्टी बैंड निकाल लेते हैं पहले, और हमारी टॉर्चेस भी सारी इसी में है। देखो ये अच्छा सुनो, मैंने देखो दोस्तों ये ना मैक्स के लिए लाए थे हम, बहुत पहले से मेरे पास है, मक्कू को तो अभी पहनाना नहीं पड़ा। मैक्स आजा। देखो दोस्तों अब मैक्स अंधेरे में दो दौड़ेगा तो मैक्स को हम देख सकते हैं। चलो जाओ जाओ, जा सकते हो। मैक्स आओ आजा, गुड बॉय। गोपी कहाँ गया? वो रहा गोपी ऊपर है। जो टॉर्च मैंने पहनी है ना दोस्तों, इतनी तगड़ी है ना ये, इसमें 600 लुमेन नहीं है और 6 सेकंड के लिए 1000 लुमेन भी मिलता है। गोपी आजा बेटा। दोस्तों आधा और बचा है और ये जो आधा किलोमीटर है काफी चढ़ाई है, पर बिकॉज क्योंकि इतना ज्यादा स्नो है तो स्लिपरी बहुत हो रहा है चलना, स्पेशली जब गोस्टू खींच रहा है ना, वो बावला देखो आगे घूम रहा है, लाइट दिख रही है। एनी अल्टीमेट चीज मैक्स ने जो पहनी है ऐसे टाइम्स के लिए, अक्सर हम लोग जो हाइक में आए ना जरूरत पड़ी नहीं तो देखो आज पड़ गई, टॉर्चेस की भी और उस नेक बैंड की भी। दोस्तों गोस्टू तो चल ही रहा है पर असली मुझे तो मैक्स मार रहा है भाई, क्या एपिक मजा आ रहा है मैक्स को, बर्फ में दौड़ रहा है, खेल रहा है, क्रेजी एकदम। दोस्तों ये वही जगह जब मैक्स और मैं बोल रहे थे कि मेरे को अपने दिल की आवाज़ सुनाई दे रही है, एकदम दिल धड़कने की आवाज़ आ रही है, क्या क्रेजी था। थोड़ा ही रह गया दोस्तों, अब ज्यादा नहीं है। जो स्नो है ना दोस्तों एकदम रेशम की तरह चमक रही है, ये देखो वो है ना, वाह आईफोन में भी दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। थोड़ा सा रह गया, चल गोस्टू। बाइक आउट गोस्टू के साथ चलने में क्या है ना, गोस्टू के पेस से चलना पड़ता है। गोस्टू ने हार्नेस पहन लिया, खींचना है उसने, क्या मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खींचूंगा। देखो पीछे टॉर्चेस दिख रही हैं आपको, बाकी टीम आ रही है हमारी, चलो चलो। इतना सुंदर लग रहा है ना, मैं पहली बार रात में स्नो में जा रहा हूँ दोस्तों, पता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसे ट्रैक करते हुए, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना ऐसे वाइल्ड के बीच में होते हो तो बर्फ में चलना अलग ही एक्सपीरियंस देता है। पिथौरागढ़ में चलूंगा मैं, नोन रास्तों में चलूंगा तो उतना ना थ्रिल नहीं होगा, पर अभी जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे भाई ऐसा फील हो रहा है ना तगड़ा, क्या मजे आ रहे हैं दोस्तों। यही चीज है जो ना मैं आपको बोल के बता सकता हूँ ना मैं आपको वीडियो में दिखा के बता सकता हूँ, जब तक आप यहाँ पे नहीं आओगे ना और ये खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आप इस चीज को ना महसूस नहीं कर पाओगे। दोस्तों हम बस पहुंच गए भाई, ये रहा बेस कैंप की लाइट दिख रही है आपको। गोस्टू ने भाई इतनी मार दिया ना मेरी, खींच खींच के उसको रुकना ही नहीं है भाई, रुक रहा हूँ तो खींच रहा है और जैसे ही उसको लग रहा है खींच नहीं पा रहा तो लाना शुरू। भाई गोस्टू ने अपना पूरा हस्की वाला माहौल बना दिया है खींच खींच के मेरे को, पर मजा मेरे को तो बहुत आ गया है भाई, बट आधी ताकत लग रही है, आधा तो गोस्टू कर दे रहा काम। पहुंच गए दोस्तों, पहुंच गए, ओहो यस अमेजिंग, मजा आ गया भाई, अल्टीमेट। दोस्तों तीनों सेक्टर चढ़ के हम फाइनली पहुंच गए बेस कैंप पे, और भाई इट वाज सच अ रिलीफ फॉर एवरीवन, क्योंकि ना थोड़ा घबराहट तो होती है ना रात को अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो डर तो लगता है भाई जंगल के बीच में, पर इट वाज क्रेजी। हमने कहा सबसे पहला काम है पहुंच के अपनी पेट पूजा वो सब बाद में, सबसे पहले खिलाओ बच्चों को खाना, क्योंकि यूजुअली जब हम ट्रैक वगैरह करते हैं ना तो बच्चों को थोड़ा खाली पेट रखते हैं, वो बेटर रहता है उनके लिए, और इनको लग रही है जबरदस्त भूख, तो हमने कहा सबसे पहले मक्कू गोस्टू और गोपी तीनों को खिलाएं खाना। गोपी भी अपनी जगह पे, ओए गोपी का पैर भी खराब है, तो उसे तलग गई हो, रख नहीं रहा है, कैसा रहा ब्रो? अल्टीमेट, मजा आया वो सब कहा, रुक तो जा। कैसा रहा किरण? मस्त, ये मेरा फर्स्ट नाइट ट्रिप और उसके ऊपर से बर्फ पड़ा,
मजा आ गया। चलो अब भूख लगी बहुत, तेज़ से कुछ नहीं खाया है। पानी बिल्कुल नहीं पिया मैंने तो। चलिए पानी पीते हैं, बच्चों को पानी पिलाते हैं सबसे पहले, फिर खाना देते हैं फटाफट। सो इस बार दोस्तों हमने ये रेडीमेड फूड लाए हैं, अभी लाइट थोड़ी कम है बट सबसे पहले इनको खाना देते हैं क्योंकि बच्चे भी भूखे हैं ना, फटाफट से इनको खिला देते हैं फिर ये सो भी जाएंगे आराम से, थक गए ना। दोस्तों बच्चों की पेट पूजा के बाद हमने करनी है अपनी पेट पूजा, एंड आपको ये जो हमारा रूम होने वाला है ना 10,000 फीट पे जो लग्जूरियस रूम हमारा होने वाला है, आई क्रेजी एकदम, वो उसका रूम टूर भी आपको दे रहे हैं, पर वो अब मैं दूंगा आपको अगले वीडियो में। दोस्तों अगले वीडियो में हम खलिया टॉप पे भी चढ़ने जाने वाले हैं और जहाँ पे हमें मिलने वाली बहुत भयानक बर्फ, बर्फी बर्फ, और भाई मक्कू जो एंजॉय करने वाला है ना भाई अल्टीमेट होने वाला है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। दोबारा से ना अपनी वो वाइब आ रही है पुराने वाले वीडियोस की, एडवेंचर वीडियोस की, तो अब ऐसे ही वीडियोस आएंगे, एंड आप जितना प्यार करते हैं, जितना सपोर्ट करते हैं, उस सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ज़रूरत है हमें आपके प्यार की, है ना, और आप भर भर के देते भी हैं। सो दोस्तों आई होप जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना हम लोग उसके उस पर खड़े रहें, वैसे वीडियोज़ बनाते रहें, एंड हम मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। एंटिल देन द हिमालयनस की ओवर एंड आउट। और सुनो आपका भाई प्यार करता है आपसे। ओके बाय।